वाकई में भाई साहब दूसरी एंट्री पे पुष्पा राज ने बवाल कर दिया है। मुझे ट्रेलर बड़ा एवरेज सा लगा था, लेकिन सुकुमारन ने पिक्चर में बहुत कुछ बचा के रखा था। इस पिक्चर में सिर्फ एंटरटेनमेंट 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 है। अपने दिमाग को पुष्पा राज की वाइल्ड फायर में डाल दीजिए 3 घंटे 20 मिनट के लिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पुष्पा भाव है ना, जब दिमाग निकलेगा एकदम कड़क होके निकलेगा। भाई साहब लॉजिक कई बार फिल्मों में जरूरी नहीं होता, और बिना लॉजिक के भी एंटरटेनिंग फिल्में बन सकती हैं। पुष्पा 2 उसका प्राइम एग्जाम्पल है। पुष्पा की बीवी को फोटो चाहिए कि भाई उसके पति की सीएम के साथ फोटो हो, सीएम फोटो खिंचवाने से मना कर देता है। पुष्पा क्या करता है, सरकार बदल देता है, सीएम बदल देता है। मतलब ऐसा स्वैग एकदम बिलीवेबल लगता है। बहुत सारे फाइट सीक्वेंसेस आते हैं, एक के बाद एक ऐसे सीन्स आते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। जब मुझे पता चला ये फिल्म 3 घंटे 20 मिनट की है, मुझे लगा भाई साहब बोर हो जाएंगे, लेकिन आप एक मिनट के लिए बोर नहीं होते। इस बार पुष्पा स्मगलर बन चुका है, जाहिर है बड़ा आदमी है, कामयाब है, तो दुश्मन भी बड़े हैं, सबके होते हैं, जिंदगी में भी ऐसा होता है, पिक्चर में भी ऐसा होता है। बीवी से बहुत प्यार करता है पुष्पा, क्या होगा, क्या करेगा पुष्पा, यही कहानी है। और इस कहानी को बड़े स्वैगी तरीके से दिखाया गया है। प्लॉट प्रेडिक्टेबल है, लेकिन साउथ के मेकर्स की खासियत यह है कि वो प्रेडिक्टेबल चीजों का ट्रीटमेंट इतना जबरदस्त करते हैं ना कि मजा आ जाता है। अल्लू अर्जुन ने इस परफॉर्मेंस से जो एक हीरोइज्म की लकीर है वो बहुत लंबी कर दी है। मतलब अब किसी को वहां तक पहुंचने के लिए ना कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। कमाल का काम किया है, एक एक फ्रेम में छाए हुए हैं। अब अल्लू अर्जुन को आप देखेंगे तो पुष्पराज ही दिमाग में आएगा, रश्मिका मंदाना, अल्लू अर्जुन के होते हुए अपनी छाप छोड़ जाना, एक ऐसी फिल्म जिसका नाम ही हीरो के नाम पे है, वहां अपनी छाप छोड़ जाना एक कमाल की एक्ट्रेस कर सकती है, और उन्होंने किया। फहद फासिल पुलिस वाले के किरदार में गजब काम किया। सुकुमारन की राइटिंग और डायरेक्शन एकदम ऑन पॉइंट है, कहीं उन्होंने बोर नहीं होने दिया है, फिल्म को बिल्कुल टाइट रखा है। एक के बाद एक उन्होंने ऐसे ट्विस्ट डाले हैं, टर्न्स डाले हैं, और स्वैग डाला है कि आप हैरान रह जाते हैं। म्यूजिक ने मुझे डिसअपॉइंट किया, डीएसपी का म्यूजिक, गाने जो हैं सामी को छोड़ के बाकी सब बहुत बेकार गाने हैं, आपको लगता है यार क्यों ही डाले गए, लेकिन पिक्चर इतनी एंटरटेनिंग है कि उनको आप अखड़ते नहीं है वो गाने, आपको लगता है कि चल ठीक है ये भी निकल जाएंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो काफी अच्छा है। देखिए इस तरह की फिल्में जो हैं सिनेमा का सेलिब्रेशन होती हैं, मास फिल्में जरूरी हैं, क्लास फिल्में भी जरूरी हैं, और ये मास एंटरटेनर है। हर कोई सीटी बजा रहा था, ताली बजा रहा था, पुष्पा के स्वैग के साथ झूम रहा था। तो साल की सबसे एंटरटेनिंग फिल्म है ये, जरूर देखिए, मजा आएगा। और आप जब निकलेंगे ना तो पुष्पा का डायलॉग बोलते हुए निकलेंगे कि फायर नहीं वाइल्ड फायर है। मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार्स।